यस, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 9 जो हमने कल स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें टॉपिक है, कल हमने कर लिया था इसका मीनिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, राइट। आज हम टॉपिक इसमें करेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस क्या होते हैं? फाइनेंशियल डिसीजन मीन ऑल दोज डिसीजंस व्हिच आर टेकन रिगार्डिंग द फाइनेंस इन द बिजनेस। जो हम कल बात कर रहे थे, पैसा फाइनेंस कहाँ से लिया जाएगा, है ना। पहली बात तो ये कि वो इक्विटी होगा या वो डेट होगा, मींस अपना पैसा अरेंज करेंगे, मीन टू से शेयर्स होंगे, या फिर वो पैसा बोरो करेंगे, बोरोड फंड्स होगा, बाहर से लिया जाएगा। सपोज फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि बाहर से लिया जाएगा, अब बाहर से कहाँ से लिया जाएगा? क्या हमने डिबेंचर, बिकॉज बाहर से या चैप्टर आपने प्लस वन में पढ़ा हुआ है, वेरियस सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस आप दे रहे हैं ना। अगर बाहर से पैसा लिया जाएगा तो किस फॉर्म में लिया जाएगा? बैंक लोन हो सकता है, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हो सकते हैं, किसी से फ्रेंड से लोन हो सकता है, अगर हम सोल ट्रेड या पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। सपोज बैंक ने, सपोज मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि हम बैंक से लोन लेंगे, तो कौन से बैंक से लेंगे फिर ये डिसाइड करना है, है ना। प्राइवेट बैंक से लेंगे कि नेशनलाइज बैंक से लेंगे? से बैंक ने मैनेजर डिसाइड कर लिया कि प्राइवेट बैंक से लेना महंगा पड़ता है, नेशनलाइज से ले लेते हैं। अब नेशनलाइज की आगे कई ऑप्शन है, पीएनबी के पास जाना है, सेंट्रल बैंक के पास जाना है, एसबीआई के पास जाना है। मींस ऑल दिस डिसीजंस एंड दिस डिसीजंस आर लिमिटेड टू व्हाट आई एम सेइंग, अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। दिस इज रिगार्डिंग अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, पैसा लेना कहाँ से, उसके बाद उस पैसे करना क्या है, ये भी फाइनेंशियल डिसीजन है। पैसा ले तो लिया, ऐसे ही पड़ रहेगा क्या? उसका यूज भी तो करेंगे ना, है ना। उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, कितना पैसा फिक्स्ड कैपिटल के लिए रखना है, कितना पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए रखना है, वो भी यहाँ पे देखना है। कितना उसमें से डिविडेंड पे कर देना है, किसी और काम के लिए यूज कर देना है, वो भी देखना है। मींस सारे डिसीजंस विच आर रिलेटेड टू द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मींस अरेंजमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंस, विच आर विच डिसीजन आर रिलेटेड टू फाइनेंस आर नोन एज फाइनेंशियल डिसीजंस। मीनिंग क्लियर है? All the decisions in a company, in a business related to finance, पैसा कहाँ से अरेंज किया जाएगा और पैसा कहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा, कैसे उसे खर्चा जाएगा, ये सारा कुछ जो है, all these decisions are financial decisions and these decisions are taken by financial management. उसका मेन काम ही ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसने ऐसे decisions लेने हैं फाइनेंस के रिगार्डिंग, सो दैट डैश कौन ब्लैंक फिल करेगा। The financial management has to take financial decisions in such a way so that dash blank fill करिए, कौन कर सकता है? कोई नहीं। It means आपने कल वाला topic पढ़ा नहीं, देखना अब answer आएगा जब मैं बता दूंगा ना, कल वाला topic था, फिर आप कल वाली notebook से देख लोगे, answer दे दोगे, इसलिए मैं बता नहीं रहा था। अब तो आंसर आ जाएगा, अब मैंने को तो सारे बच्चे आंसर दे देंगे जब मैंने बता दिया कि हमने कल पढ़ा था, तो कल वाली कॉपी आपके पास है, मेरे को दिख नहीं रहा आप कॉपी पे, इतने चला तो आप कोई, है ना। यस कनिका, व्हाट इज द आंसर? सो दैट बिजनेस कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड और कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन ये आंसर अभी जो मैंने पूछा ये नहीं आंसर, ठीक है। That can also be filled. Okay. मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, अगर मैंने उसके बारे में हल्का सा बता दिया तो आंसर ही आ जाना, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, आपका ही गेस चल रहा है, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। शिवांशी, shareholder wealth can be increased. जो मेन फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सो दैट द shareholders wealth can be increased. और ये पॉइंट हमने कल पढ़ा था। कनिका, इज इट क्लियर? कनिका, द पॉइंट इज क्लियर? यस सर, यस सर। सो यस सर, द शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, द पॉइंट इज दिस, फाइन। सो ऑल दीस डिसीजंस आर रिलेटेड टू फाइनेंस एंड टू बी टेकन इन सच अ वे सो दैट द शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड, ये है इसका। एंड अगर हम बात करें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस आर देयर, सो देयर आर थ्री टाइप्स। एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन और एक है डिविडेंड डिसीजन।
इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस और डिविडेंड डिसीजंस, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस नेम से ही क्लियर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजंस। क्या होगा कि जो पैसा है हमारे पास वो इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, लगाना कहाँ पे, वो यूज किया जाएगा, इज इट क्लियर? ठीक है, वेयर दोज फंड्स, वेयर दैट फाइनेंस विल बी इन्वेस्टेड सो दैट अ बेटर रेट ऑफ रिटर्न कैन बी इंश्योर्ड। इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं करते नहीं, अगर हमारे पास चार ऑप्शन हैं सपोज इन्वेस्टमेंट करने की, जहां भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, ये नहीं कि जहां मर्जी हम कर देंगे। अगर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है बैंक में सपोज, और पैसे की मेरे को जरूरत नहीं है, आपने 11th में टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स पढ़े हुए हैं अगर आपको याद हो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, याद नहीं करवा रहा हूँ इसकी, याद जरूर भी, वैसे मैं एग्जाम्पल प्रैक्टिकली ले रहा हूँ। मैं सेविंग अकाउंट खोल सकता हूँ, सेविंग बैंक अकाउंट, है ना, मैं एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकता हूँ। जो सेविंग बैंक अकाउंट है आज की रेट में उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज की डेट में दैट इज अराउंड 3%, मे बी 0.25% लेस देन 3 एंड 0.25% मोर देन 3 आल्सो, इट रेंजेस नियर 3%। जो क्लास चल दे भैया बोलो, क्लास चल दे भैया हैगा Should I continue, Basundhara? चलिए, जो fixed deposit है उसका जो rate है that is near 6%। अगर मेरे पास आज पैसे पड़े हुए हैं और मेरे को पैसे की जरूरत भी नहीं है तो मैं किसी भी हाल में मैं सेविंग अकाउंट में ही लगाऊंगा, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को पता है कि मेरे को साल दो साल जरूरत नहीं पड़नी। या मेरे पास सपोज ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ है, मेरे को 10 लाख मैंने क्या करना है, मान लीजिए मेरे लिए लाख दो लाख ही बहुत है, है ना, मेरे को इतनी जरूरत नहीं पड़नी, पैसे आने भी हैं जाने भी हैं, आने भी हैं जाने भी, 7-8-9 लाख इसमें से ऐसा है कि मैं फिक्स ही करवा दूँ ज्यादा अच्छी, तो जो मैं इंटरेस्ट अर्न कर रहा सेविंग बैंक के ऊपर उससे ज्यादा मेरा डबल मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिसीजन डजंट मीन पैसे को इन्वेस्ट करना, डज नॉट मीन ओनली दिस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन कि कहाँ इन्वेस्ट किया जाए सो दैट बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी इंश्योर्ड। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन हो ऐसी कि मेरे को 6% ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है मैं वहां पे लगा दूंगा, मेरे को पता है मेरे को साल दो साल चार साल के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं नहीं करना है, लेकिन तो मैं वहां लगाऊंगा जहां मेरे पास ज्यादा रिटर्न मिले। मेरी बात समझ आ रही? सो बिजनेस में भी फाइनेंशियल मैनेजर ने पैसे को ऐसे इन्वेस्ट करना है सो दैट की बेटर रेट ऑफ रिटर्न कैन बी एंश्योर्ड। ठीक है, किसी किसी ऑप्शन में ज्यादा रिटर्न मिल रही है वहां पे पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है, एंड this decision further can be classified in two parts. एक है fixed capital decisions और एक है working capital decisions. fixed capital decisions and working capital decisions. fixed capital decisions जो है इन दोनों में से एक लॉन्ग टर्म का होता है एक शॉर्ट टर्म का होता है, कौन सा लॉन्ग टर्म का है कौन सा शॉर्ट टर्म का, एंड रेज करना एक लॉन्ग टर्म का है एक शॉर्ट टर्म का, 1 2 3 4 5 ओनली 5 6 सोनाली सर, फिक्स्ड कैपिटल लॉन्ग टर्म और वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म। फिक्स्ड कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं बिकॉज दे इफेक्ट द बिजनेस इन लॉन्ग रन, वेयरएज जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं ये शॉर्ट टर्म के होते हैं, दे इफेक्ट द बिजनेस फॉर शॉर्ट टर्म 1 ईयर वाले, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजन भी बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजंस और शॉर्ट टर्म डिसीजन भी इनको कह सकते हैं बिकॉज वो इतने टर्म के लिए बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, दैट टाइम पीरियड बिजनेस जो है वो उसके डिसीजन लेता है। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कह देते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, नेम ही अलग अलग रखे हुए हैं एक ही बात है। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस वो होते हैं जब जो फाइनेंस है हम एक फिक्स टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा, विच अफेक्ट द बिजनेस इन लॉन्ग रन। नहीं, सपोज परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी,
एक बार परचेज कर ली, ये डे टू डे तो नहीं परचेज करेंगे हम महीने के बाद भी नहीं परचेज करेंगे, हम मेरे ख्याल साल के बाद भी परचेज नहीं करेंगे ना। हमने एक बड़ा प्लांट लगा लिया है तो वो प्लांट जो है कई साल तक चलेगा, जब तक कि या तो वो पूरा ही खराब ना हो जाए तो चांसेस ये कम होती हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट ना हो जाए, पुरानी ना हो जाए, आउटडेटेड ना हो, जब तक हमारा वो प्लांट चलता रहेगा, ये 6 महीने साल के बाद हम बार बार प्लांट मशीनरी अपनी चेंज नहीं कर सकते। ये एग्जाम्पल है फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन की। कोई नई ब्रांच खोल लेना, बिजनेस ने देखा कि यार बड़ा अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस कुवाड़ा में चल रहा है, अच्छा जंतर में चल रहा है, मैंने चला लिया, लुधियाना में मैंने चला लिया, चलो अभी शाहपुर ब्रांच खोल। दिस इज अ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, वो मैं हर रोज ही लूंगा, और मैंने कोई वो 6 महीने के लिए नहीं खोली हुई है ब्रांच, मैंने टाइम पीरियड के लिए खोली हुई है, लॉन्ग टाइम के लिए। मेरा इसके ये चीज मेरे बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट कर रही है। मीन्स हम सिंपल से अगर हम बात करें, परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, एनी नॉन करंट एसेट इज फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। और वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या होते हैं, जो बिजनेस को शॉर्ट टर्म में इफेक्ट करते हैं। मीन्स वो पैसा जो बिजनेस जो है वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के रख लेता है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और ऑल दोज डिसीजंस व्हिच अफेक्ट द बिजनेस इन शॉर्ट रन आर शॉर्ट टर्म डिसीजंस और वर्किंग कैपिटल डिसीजंस। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन की बात करें ना, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दे आर फिक्स्ड कैपिटल की हम बात करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन की, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। Irreversible in nature means they can't be taken back so easily, है ना? You can't be taken back. ये नहीं है कि आज डिसीजन लिया कल को बोला नहीं नहीं यार ये काम तो गलत हो गया ना, ये नहीं करना है, ऐसे करते हैं, इसको छोड़ देते हैं और जो है वो हम नया कुछ करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, दे आर इरिवर्सिबल, वंस टेकन दिस डिसीजन, वंस टेकन कांट बी टेकन बैक। Once decided about fixed capital decisions, these decisions are irreversible. मैंने एक ब्रांच खोल ली सपोज किसी शहर में, मैंने पैसा लगा दिया, वहाँ मैंने लैंड बिल्डिंग परचेज की होगी, वहाँ मैंने मशीनरी लगाई होगी, मैंने वहाँ ऑफिस खोला, मैंने इक्विपमेंट लगाया होगा, मैंने वहाँ स्टाफ रखा होगा। अब मैं 6 महीने के बाद बोलूँ कि नहीं यार वो ब्रांच चल नहीं रही है तो मैं उस ब्रांच को छोड़ देता हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ब्रांच को मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे को एफर्ट्स करने पड़ेंगे कि वो ब्रांच जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। ये तो हो सकता है 6 महीने के बाद ब्रांच बंद कर दूं मैं, अगर कहीं और ब्रांच खोलूं मैं वो बंद कर दूं, अगर मैं करूंगा ऐसे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ लॉस हैज टू बी सफर्ड माय बी। मैं कर सकता हूं लेकिन लॉस बहुत हो जाएगा, ब्रांच बंद करूंगा वहां मेरी जमीन पड़ी है बेचनी पड़ेगी, सामान पड़ा है वो बेचना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को निकालना पड़ेगा, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स पड़ेंगे वो निकालने पड़ेंगे। ये ऐसे डिसीजन हैं अगर वो अपोजिट कर लिए जाए, रिवर्स कर लिए जाए तो बहुत सारा लॉस कंपनी को हो सकता है। That is why these decisions are known as irreversible in nature. Short term decisions ऐसे नहीं होते, short term का decision जो है वो थोड़ी amount का generally होता है, छोटी amount का वो decision होता है और वो अगर business को इतना effect नहीं करता, लेकिन because fixed capital decision जो है वो long term के होते हैं तो business को वो long term के लिए effect करती है। These decisions should be taken very carefully. Decision लेने से पहले इतना much time लगा लिया जाए, लेकिन decision लेने के बाद उसको reverse करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Fine. Second is financing decisions. Now this is financing decision. जो topic है financial decisions है. Don't get confused in this. अगर वहाँ meaning आ जाए financial का तो इसका नहीं लिखना है. Financing decision is a part of financial decision. Financial decisions सारे ही हैं. Financing decision एक है. Fine. Financing decision जो है that is related with the arrangement of funds, finance. पैसा आना कहाँ पे है? तो ये पैसा था कि ये लगाना कहाँ पे? इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं, लगाना कहाँ है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं, एसेट परचेज कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, कोई ब्रांच नहीं खोल रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, पैसा फाइनेंशियल डिसीजन है कि पैसा जो है वो आना कहाँ से, मेरे पास अरेंज कहाँ मैंने करना, कहाँ से मैंने करना है। इसका हम पहले भी एग्जाम्पल ले चुके हैं कि मैंने ऑनर्स फंड करने हैं इशू या मैंने बोरोड फंड्स, ऑनर्स फंड्स मैं यहाँ पर कंपनी की बात कर रहा हूँ, ओनर्स फंड्स एंड बोरोअर्स फंड्स, कि मैंने कौन से पैसे जो है वो अरेंज करने, कहाँ से लेना है पैसा। ओनर्स फंड्स कैन बी शेयर्स, बोथ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और आरई, मैं बताऊंगा नहीं ये क्या है, मैं देखता हूँ, इसको याद है था हमने यूज किया प्लस वन में और ये हम
बहुत कॉमनली आजकल यूज कर रहे थे, लेकिन वर्ड ये वाला नहीं यूज कर रहे थे. वन टू, ये एक वन मार्कर क्वेश्चन बोलते तो नहीं है क्या वैसे, वन मार्कर. तनवीर, रिटेन्ड अर्निंग्स. रिटेन्ड अर्निंग, यस वेरी गुड तनवीर, इट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना. आजकल इसको हम किस नाम से यूज कर रहे थे, हमने अकाउंट्स के सम्स किए, वहां पे क्या नहीं आ रहा था इनका, क्या आ रहा है वहां पे, याद है हर्षिता? यस, accumulated profits. Yes, accumulated profits. General reserve, reserve, reserve fund, profit and loss, credit balance, workman reserve, investment reserve. ये सारे वो reserves थे जो हम बड़े commonly हम ये accounts पे use करते हैं. तो ये retained earnings हैं. ये भी अपना ही पैसा है. Shares अपना पैसा है. Retained earnings shares दोनों category की, चाहे वो equity हो, चाहे वो preference हो, और retained earnings भी अपना ही पैसा है. कि मैं यहाँ से पैसा arrange करूँगा या मैं borrow करूँगा, बाहर से लूंगा. वेरियस ऑप्शंस कैन बी देयर, हमने भी बात करी पहले. डिबेंचर्स कैन बी देयर, पब्लिक डिपॉजिट्स कैन बी देयर, लोन्स कैन बी देयर. लोन आगे कई तरह के हैं, बैंक लोन लेना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है, या कहीं और से लोन लेना है. वेरियस ऑप्शंस आर देयर. तो यहाँ पे इन डिसीजंस में, फाइनेंसिंग डिसीजंस में, मैंने चीप एंड बेस्ट सोर्स जो है वो देखना है. चीप एंड बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा भी हो और मेरे को सबसे सस्ता पड़ रहा हो. कई बार हो सकता है कोई एक लोन है, मैंने कहा मैंने लोन ले रहा है, एक बैंक लोन मेरे को 6% पे लोन दे रहा है, एक बैंक मेरे को 5% पे लोन दे रहा है सपोज, तो ऑफ कोर्स मैं 5% पे ही जाऊंगा, मैं 5% पे जाऊंगा. बट साइमल्टेनियसली मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट ही ले रहा है, कोई और चार्जेस तो नहीं ले रहा. बैंक कह रहा है कि इंटरेस्ट 5% है, लेकिन इसके अलावा ना आपको 2% पैसे और पे करने पड़ेंगे. बन गया 7, मैं तो कैश दे ही रहा हूँ. मीन ऑल दोज हिडन चार्जेस आर आल्सो टू बी टेकन इनटू अकाउंट बिफोर फाइनलाइजिंग एनी डील. तो मैंने तो ये देखना है कि मेरे को ओवरऑल पैसा कितना महंगा पड़ रहा है, कितना सस्ता पड़ रहा है. जहां भी मेरे को चीप लगा मैंने वहां पर परचेज कर लेना है. इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस फंड शुड बी यूज बाय द बिजनेस. ठीक, दिस इज रिगार्डिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा आना कहीं से. एंड थर्ड डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड क्या होता है, होता क्या है डिविडेंड? वन, टू, ओनली टू. चैप्टर आपने सारा कर लिया कैश फ्लो का, है ना. चैप्टर भी कर लिया है कैश फ्लो का, उसके पीडी वन में एग्जाम भी दे दिए, मार्क्स भी सबके 6 में 6 आए थे. तब कैश फ्लो के क्वेश्चन पता नहीं आए कैसे हैं, अभी आप देख लो. गुरलीन, गुड गुरलीन, यस सर. डिविडेंड प्रॉफिट्स के बाद मिलता है. यस, डिविडेंड वो प्रॉफिट का पार्ट, प्रॉफिट्स की तरह ही होता है. प्रॉफिट ही होता है, तरह नहीं होता है, होता ही प्रॉफिट है. प्रॉफिट बिकॉज जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है गुरलीन, उसमें से प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में से कंपनी जो है वो कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को दे देती है, शेयर होल्डर्स को दे देती है. बिकॉज शेयर होल्डर्स भी ओनर्स हैं, कुछ पोर्शन शेयर होल्डर को देती है, कुछ पोर्शन अपने पास रख लेती है, विच इज रिटेन्ड अर्निंग्स, इसी को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग. सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100 रुपये, कंपनी ने 70 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, 30 रुपीज अपने पास रख लीजिए, कल वो काम आ जाएंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में. इसे हम रिजर्व बोल देते हैं, सेविंग बोल देते हैं. ठीक है, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिविडेंड विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, दिस इज डिविडेंड. ठीक, नाउ डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस मींस कि डिसीजंस रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे करना. मैंने भी एग्जांपल ली, कंपनी को प्रॉफिट हुआ 100 रुपया, कंपनी ने उसमें 7 रुपीज का डिविडेंड पे कर दिया, 30 रख लिया, ये 70 ही पे करना है या कम पे करना है या ज्यादा पे करना है या सारा ही पे कर देना है या जरा भी नहीं पे करना, ये भी हो सकता है, जरा भी नहीं पे करना. All these decisions are related to dividend decisions. कि dividend pay करना, कितना pay करना है. Point is this, कितना profit हुआ है, उसमें से कितना हमने dividend जो है pay करना है. इन decisions को, dividend decisions को disposal of surplus decisions भी बोल देते हैं. Disposal of surplus decisions. Surplus means profit. Disposal means how this profit is to be distributed, disposed of. है ना?
जो प्रॉफिट हुआ उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, मींस उसे कितना उसमें से पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इज द डिविडेंड डिसीजन। मैंने एग्जांपल लिया 100 में 70 पे कर दिया, कोई जरूरी नहीं कि हर कंपनी 100 में 70 ही पे करती, क्या पता कंपनी ज्यादा पे करती है, क्या पता कंपनी कम भी पे करती है, क्या पता किसी केस में किसी साथ कंपनी ना भी पे करे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये पैसा जो है जो प्रॉफिट हुआ है कितना उसमें से पे कर दिया जाएगा, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ऑल दीज थ्री आर फाइनेंशियल डिसीजन विच आर टू बी टेकन बाय द फाइनेंशियल मैनेजर, के पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा और कितना पैसा जो है वो कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में डिक्लेयर करेगी कि शेयर होल्डर को दे देना है। एम आई क्लियर? ठीक है, चले आगे। यहाँ तक कोई डाउट पूछ लीजिए बेटा, इस टॉपिक में कोई डाउट नहीं, शुड आई मूव फर्दर? अभी क्या है, अब आपको इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग मैंने करवाने, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल वर्किंग डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। और इन एक दो फैक्टर्स आगे जाके और आने हैं, और इन फैक्टर्स में से एक क्वेश्चन बोर्ड में श्योर शोर आता है, श्योर शोर आता है। एक हमने प्रोसेस किए सारे, प्लानिंग का था, मैनेजमेंट का था, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सिलेक्शन, ये स्टेप्स प्रोसेस किए, प्रोसेस में से एक प्रोसेस जरूर आ जाएगा। ठीक है, फंक्शंस ये करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग में से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग चार यहाँ बन गए, एक दो जाके आगे भी आने हैं, उन छः में से एक का टॉपिक जरूर आ जाएगा, कितने मार्क्स में भी आएगा जरूर, कहीं ना कहीं टच होगा। ठीक है, तो अभी हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल वर्किंग, अब इसका मतलब क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग का मतलब है किस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। कैपिटल वर्किंग को आपने, मैं पहले ही बताया आपको, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस भी कह देते हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन भी कह देते हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होते हैं, हम प्लांट मशीनरी वगैरह परचेज करना, लैंड बिल्डिंग वगैरह परचेज करना, पैसा कहीं फिक्स लगाना, फिक्स इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करना, वो है। मीन्स हम यहाँ पे अलग अलग फैक्टर्स में ये देखेंगे किस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा है और किस केस में फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स कम है। आई क्लियर? हाँ, जब आपको चल जाएगा पता हमने करना क्या है, तो आगे जाके पॉइंट्स बहुत ईजी है। ये पॉइंट्स सारे फैक्टर्स ईजी हैं, जितने हमने 5-6 करने हैं, लेकिन कहीं आप उससे मिक्स ना हो जाए, ये याद रखें। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमने क्या करना है, हमने देखना है किस केस में फिक्स्ड कैपिटल डिसीजंस या रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं, किस केस में कम है। शुड आई कंटिन्यू, करूं मैं स्टार्ट? ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस जो है, आपने पढ़ा हुआ है 11th में, बिजनेस जो है दैट कैन बी अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और दैट कैन बी अ ट्रेडिंग बिजनेस। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे बिजनेस वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इट इज ट्रेडिंग बिजनेस। बिजनेस इफ इट इज मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कि ये रॉ मटेरियल परचेज करके उसकी फॉर्म को चेंज करके फिर बेच रहा है। ट्रेडिंग बिजनेस क्या करता है, वो कोई मशीनरी नहीं लगाते हैं, वो बना बनाया सामान लेते हैं, एक्ट एज अ मिडल मैन ओनली, और उसको आगे ऐसे बने बनाए को ऐसे जाके सेल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखना है कि किस टाइप ऑफ बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी है, किसमें कम होनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बिकॉज वो रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज कर रहा है, इट मीन्स के प्लांट मशीनरी के लगाने के चांसेस उसके ज्यादा है, चांसेस क्या है ही लगानी पड़नी है, उसने बिजनेस जो है वो जो प्रोडक्ट जो है वो बनाने हैं, प्रोड्यूस करने हैं,
तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है, इतनी होती नहीं है ना। फिक्स्ड कैपिटल की, फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट जो है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा है, ज्यादा लैंड चाहिए, ज्यादा बिल्डिंग चाहिए, ज्यादा मशीनरी चाहिए। ट्रेडिंग में इतनी लैंड भी नहीं चाहिए, इतनी बिल्डिंग भी नहीं चाहिए, इतनी मशीनरी भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ट्रेडिंग करने इक्विपमेंट चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग में द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर मोर एंड ट्रेडिंग में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आर लेस। मोर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, लेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। टेल मी इफ आई एम क्लियर, tell me if I am clear. You don't telling it means I am not clear. Yes sir. तीन बार भी आई है मेरे पास। Yes sir. Yes. एक तो repeat ही होगी, एक की तो repeat ही होगी। Point clear है? हम topic क्या कर रहे हैं? किस case में fixed capital की requirement ज़्यादा होनी है, किस case में कम होनी है? अगर nature की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा रिक्वायरमेंट होनी है, ट्रेडिंग में कम होनी है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्स मोर मशीनरी, मोर बिल्डिंग, मोर लैंड एक्सेट्रा। ऐसे पॉइंट्स ही आने हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, स्केल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे ना आप जब मैं आपको करवा रहा हूँ तो आप ऐसे लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मोर रिक्वायरमेंट्स, ट्रेडिंग बिजनेस लेस रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे ना, एग्जाम में आप लिखोगे तो ऐसे नहीं चेक किया जाए, हमें ये नहीं चाहिए। वहां पे आपने पहले ये बताना है, नेचर ऑफ बिजनेस कैन बी टू, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बिजनेस, और इफ द बिजनेस इज दिस नेचर देन मोर रिक्वायरमेंट्स आर देयर, इफ द बिजनेस इज ऑफ ट्रेडिंग नेचर देन लेस आर देयर। और आपने उसमें से जो चार वर्ड है मेन, ये अंडरलाइन करके आने हैं। इस पॉइंट में चार वर्ड्स कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग मोर, ट्रेडिंग लेस। चाहे आप ये लिख के भी आ जाओ तब भी चलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन सेंटेंस की फॉर्म में जरूर देनी है, उससे आपका मैटर भी बढ़ेगा और चलता है पता कि बच्चे को नॉलेज है। हाईलाइट जरूर करके आना है आपने। अगर आप ऐसे लिख के आ जाओगे, हाईलाइट नहीं करोगे, हमें ये फिर वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं। जहां एग्जामिनर को तंगी होती है वहां मार्क्स आपके कटते हैं। आपने उसे एग्जाम में क्रिमिनल रखना है कि ये देखो जी मैंने लिख भी दिया है, लाइन चार पांच लिख भी देनी है, लेकिन उसको बता भी देना कि ये वाला चेक कर लो, फिर काम का तो सिर्फ यही है, बाकी पैसे नहीं है ना। काम के चार वर्ड नहीं, ऐसे हर पॉइंट में चार वर्ड काम के होने हैं, दो ये वाले, दो मोर लेस। वहां पे थोड़ा कन्वीनियंट रखना, चेकिंग जो है वो जितनी उसके लिए ईजी होगी ना उतने ही आपके मार्क्स ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। नाउ सेकेंड इज स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स कि वो लार्ज स्केल पे काम कर रहा है या वो स्मॉल स्केल पे काम करता है। इस केस में फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी है, किस केस में कम होनी है? रेज हैंड प्लीज, रेज हैंड। 1 2 3 4 तो हम तो करते रहते हैं, 5 6 ये भी करते रहते हैं, और कोई नहीं? बाकी फिर ऐसे ही आते हैं अटेंडेंस के लिए, बाकी क्या करते हैं? शिवांशी भी खास कर करती रहती है, कोई 8 10 बच्चे। लवदीप कौर, किस बिजनेस में, किस टाइप ऑफ स्केल ऑफ बिजनेस में रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होनी है, किस में कम होनी है? लवदीप कौर, लवदीप आप प्रॉपरली ऑडिबल नहीं है, मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, दोबारा बोलो, रिपीट करो इसको। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में फाइनेंस की ज्यादा जरूरत होती है और ट्रेडिंग बिजनेस में कम होती है। चलो, कभी कोई वर्ड सुना है पहले, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, ऐसा वर्ड सुना कभी? ये वर्ड सुना है बेटा पहले भी, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल? लवदीप, आप तब थे नहीं जब मैं बोल रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पॉइंट फर्स्ट चल रहा है कि सेकंड चल रहा है। मैं सेकंड क्या पूछ रहा हूँ? फर्स्ट का मैं दो बार बता चुका हूँ और आप मेरे को फर्स्ट का आंसर दे रहे हो। इट मीन्स कि ना आप अटेंडे हो, ना ही आप मेरी बात सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप भी अटेंडेंस के लिए आए हुए, कोई बात नहीं, वैसे ही लगा दूंगा अटेंडेंस, चिंता नहीं करना। और लीन,
गुरलीन कौर बोलो बेटा। यस सर। हाँ जी बोलो सर। स्मॉल स्केल में लेस रिक्वायरमेंट होती है और लार्ज स्केल में ज्यादा। लार्ज स्केल बिजनेस जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो उसके रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, उसको ज्यादा मशीनरी चाहिए, ज्यादा लैंड बिल्डिंग चाहिए। जो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम होनी है। बड़ा सिंपल सा ये पॉइंट है वैसे अदरवाइज। थर्ड लिखिए चॉइस ऑफ टेक्निक। चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस ऑफ टेक्निक में दो टेक्निक्स हैं, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है जहां पे हम ज्यादा लेबर का काम करवाते हैं, ज्यादा मैनुअल काम होता है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पे ज्यादा मशीनरी काम करती है ना। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में जहां पे लेबर ज्यादा काम करती है, मैनुअल ज्यादा हो रहा है, मैकेनिकल जहां ज्यादा काम हो रहा है, दैट टेक्निक इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इसमें मोर इसमें लेस। यस दिव्यांशी बताइए। कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा चाहिए, लेबर इंटेंसिव में कम। यस कैपिटल इंटेंसिव में ज्यादा चाहिए और लेबर में कम चाहिए। वहां पर ये बता के भी आना क्यों ज्यादा चाहिए, बिकॉज मोर मशीनरी कैन बी रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस, है ना, ये चीजें बतानी है वहां पे। नेक्स्ट लिखिए चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन मींस कि बिजनेस की जो मशीनरी है जल्दी चेंज करने पर जल्दी ऑब्सोलीट हो रही है, जल्दी आउटडेटेड हो रही है। जो मशीनरी जल्दी आउटडेटेड हो रही है उस केस में चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन आर मोर। और जो मशीनरी एक बार ही परचेज कर ली वो ऑब्सोलीट इतनी जल्दी नहीं होगी, पुरानी इतनी जल्दी नहीं होगी, आउटडेटेड, उस केस में चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन आर लेस। इफ मोर चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज देयर देन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल will be more or less, more chances of modernization, more fixed capital requirement, less chances of modernization, less chances of less requirements of fixed capital. Am I clear? है ना, point का पहले meaning पता होना चाहिए तभी आप more or less लिख पाओगे। लिखना आपने more or less ही है लेकिन पहले उसका meaning पता हो, ठीक है। So चांसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन मीन्स के मशीनरी जो है वो कितनी जल्दी आउटडेटेड हो रही है, जल्दी आउटडेटेड हो रही है, ज्यादा चांसेस है मॉडर्नाइज होने की, और जल्दी आउटडेटेड हो रही है मीन्स रिक्वायरमेंट्स आर मोर। देन इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इसमें अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है मीन बिजनेस चांसेस आर देयर कि बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा, likely to grow, in that case requirements more or less? More chances of growth, keep on kar rahe na, but more opportunities of growth, more requirements of fixed capital, less than less, ye log baatein likh rahe ho aap wahan pe, explain kar lena exam mein, hai na, more opportunities of growth, more financial, more fixed capital requirements, less chances of growth, less fixed capital requirements. Next point लिखिए alternatives of financing. Alternatives of financing. ये हमने plus one में एक sources of business में ही हमने point किया था, lease financing. Lease financing याद है बहुत term आपको, ये वाली क्या होती है तनवीर, क्या होती है ये सर? इसमें दो पार्टीज होती हैं, जो एक और एक एसेट होती है, और एक लीज करने वाला जो होता है वो अपनी एसेट लीज पे देता है एक दूसरी पार्टी को, और उसके बदले में वो उससे चार्ज करता है इंटरेस्ट चार्ज करता है। बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर बिजनेस के पास ऐसे अल्टरनेटिव्स हैं फाइनेंसिंग के, मीन बिजनेस किसी और की एसेट यूज कर सकता है, बात फॉलो कर रहे हो, तो बिजनेस हैज नो नीड टू परचेज द एसेट, विच मीन्स के रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस। गेटिंग माई पॉइंट? मोर चांसेस ऑफ मोर अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मीन्स लेस चांसेस, लेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
पॉइंट क्लियर हो रहा है एंड वाइस वर्सा. अगर बिजनेस के पास अल्टरनेटिव नहीं है फाइनेंसिंग के तो बिजनेस को अपनी एसेट परचेज करनी पड़ेगी. इट मीन द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी मोर. नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन. कितने पॉइंट्स हो गए हैं? ठीक है. लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन मतलब जब दो बिजनेस इकट्ठे हो जाते हैं, मर्ज कर जाते हैं आपस में. इफ लेवल्स ऑफ कोलैबोरेशन आर मोर, बट चांसेस आर कि बिजनेस मर्ज हो जाएंगे, इट मींस बिजनेस ए बिजनेस बी की एसेट्स यूज कर पाएगा. इफ चांसेस ऑफ मर्जर और कोलैबोरेशन आर मोर द रिक्वायरमेंट्स विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. ऐसे ही है, ए और बी दो बिजनेस आपस में इकट्ठे हो गए हैं तो ए बी की एसेट्स यूज कर लेगा, बी ए की एसेट्स यूज कर लेगा, है ना. अदरवाइज उनको अपनी अपनी परचेज करनी पड़नी. अगर चांसेस ज्यादा है कोलैबोरेशन के, मर्जर के रिक्वायरमेंट विल बी लेस एंड वाइस वर्सा. द टॉपिक इज ओवर. एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क.